आगरा के जिला महिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से आरओ प्लांट खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी के लिए बुधवार को मरीज व तीमारदार भटकते नजर आए। दुकानों से पानी की बोतल खरीदकर काम चला रहे हैं, साथ ही अस्पतालों में शौचालयों की भी असुविधा बनी हुई है। आगरा जिला अस्पताल यानी लेडी लॉयल में पिछले कई महीनों से आरओ प्लांट खराब होने के कारण अस्पताल में बुधवार को भी मरीजों के तीमारदार और अस्पताल के कर्मचारी पीने के पानी की व्यवस्था करते हुए नजर आए। साथ ही अस्पताल में शौचालय की साफ सफाई पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। दूर दराज से आए लोगों को पानी के साथ साथ शौचालय की भी काफी समस्या हो रही है। तीमारदार सोनू ने बताया कि अस्पताल का आरओ प्लांट कई महीनों से खराब पड़ा है। अभी तक अस्पताल प्रशासन ने पानी की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे हम आते हैं और क्या कहते हैं, हम पानी व्यवस्था नहीं है तो हम 2 रुपया के चक्कर में हम पर्ची बनवाते हैं और पानी व्यवस्था नहीं है तो 10 रुपया की हम क्या कहते हैं बोतल लेते हैं जब हम पानी पीते हैं। तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। टॉयलेट सारे बंद रखे हुए हैं। देखो नीचे भी 2 टॉयलेट हैं और फर्स्ट पर भी 2 हैं और सेकंड पर भी 2 हैं, लेकिन वो सब बंद है। सिर्फ यही चालू और एक ऊपर वाला चालू, और कोई चालू नहीं है। समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। एक तो यहाँ गंदगी भी बहुत है, बाथरूम में भी पानी नहीं है और बाथरूम में गंदगी बहुत है। पानी तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पानी भी बाहर से लाके पीना पड़ता है। तीमारदार ओमवती ने बताया कि अस्पताल में पानी के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की गई है। अस्पताल में 2 आरओ प्लांट हैं, लेकिन वह कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।